आपके अपने लोकप्रिय पूर्व मंत्री किशोर जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे प्रवीण जी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष दागी जी, हमारे पुराने मित्र जिनका भी भाषण हुआ भाई श्रीला जी दागी, हमारे मानीलाल जी मंत्री जी, भाई हम लोगों की पीढ़ी वही है। अभी मैं सुन रहा था एक भारतीय जनता पार्टी के नेता बोले भोपाल में, कांग्रेस को कोई नौजवान व्यक्ति नहीं मिला चुनाव लड़ने के लिए राजगढ़ से, इसलिए वो 77 साल के बूढ़े को लेकर आए। मैंने कहा कि भाई देखो, मैं चुनाव इसीलिए लड़ रहा हूँ ताकि तुम्हारा भारतीय जनता पार्टी का युवा नेता कोई मेरे साथ धूप पे चल के दिखा दे। वो पीढ़ी है जिसने राजनीति सेवा के लिए, जनता के हित के लिए की। हमने राजनीति को धंधा नहीं कराया, हमने आपके वोट बेचा था। आज क्या हो रहा है, विधायक बनते हैं एक पार्टी चुन के आते हैं, दूसरी पार्टी चले जाते हैं। इसकी सरकार ने फायदा उठाया और चले गए, लेकिन नेता जा रहे हैं, जनता नहीं जा रही। जनता तो आज भी यही है, पहले थी। कौन जाता है, जिसको ठेका ले रहा है, जिसको रेत का धंधा करना है, जिसको क्रशर चलाना है, जिसको जमीन जायदाद का धंधा करना है, वो केवल पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जिस दिन कांग्रेस सरकार आ जाएगी हमारे लिए फूल वाले लेवल में खड़े हो जाएंगे। लेकिन इन सब लोगों को पहचान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिन लोगों ने हमारा बुरा समय से साथ दिया हम उनको छोड़ के, जिन्होंने धोखा दिया उनको सर से बिठा ले, हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। आदरणीय रामचरित्र पूर्व सरपंच महोदय, राम प्रसाद सिंह पूर्व सरपंच महोदय, देवी सिंह दिलाला जी और हमारे पुरुषोत्तम दागी जी भूतपूर्व विधायक, मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ मित्र, एक ही हमारे बुजुर्ग सीधी के हैं ये। अब ये भारत जोड़ो यात्रा में लग गए, ये भी जवान बूढ़े हैं मेरे जैसे, पैदल चलते भारत जोड़ो यात्रा में। और राहुल गांधी जी के बड़े प्रिय हो गए, हमको भी अब टॉस देते हैं राहुल गांधी को। बात यही है कि हम लोग सब मिलकर हमने लड़ाई लड़ी है गरीब गरीब। आज देश में क्या हो रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आमदनी बढ़ नहीं रही है, बचत कम होती चली जा रही है। वो परिवार तरक्की कर पाता है जो कि बचत कर ले अपनी आमदनी, किसी भी एक साल में अगर फसल बिगड़ जाती है तो 3-4 साल तक किसान वापस अपनी स्थिति में आने के लिए उसको लग जाता है। मुझे याद है मैं जब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था, पहली बात तो यह है कि 1984 में पहली बार आपका मैं सांसद बना। यहां से बाहर के मुंबई के कई कर्नाटक के लोग आते थे और राजगढ़ चुनाव जीत के चले जाते थे, लेकिन वापस मुड़ के नहीं देखते। पहली बार जब मैं आया तो आप लोगों के बीच में आया, संबंध स्थापित हुए, पारिवारिक रिश्ते कायम हुए और वो पारिवारिक रिश्ते मैंने पूरे निभाने की कोशिश की। आज ये चुनाव राजगढ़ में लोकसभा का कौन सांसद बने जो कि दिल्ली के संसद में बैठ रहे अधिकारी और कर्मचारियों से दबाव डालकर
आपकी दिक्कत परेशानियों को दूर कर सके, उसके लिए चुनाव हो रहा है। अब भाजपा जीती, मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी का राजनीतिक चुनाव लड़ रहे हैं। क्या राजनीतिक मतदाता मोदी जी को वोट दे रहे हैं? मैं तो आपसे पूछता हूं कि आज आपके यहां दिक्कत है, ओले पड़ गए, ईश्वर करे ना गिरे, फसल नुकसान हो गया, यहाँ कोई अधिकारी कर्मचारी आपको परेशान करता है, बिजली आपके यहाँ नहीं आ रही है, प्रीवरेज जिले बिजली के मंत्री होने के नाते इतने यहाँ ड्यूटी खुलवा दी, इतने ड्यूटी खुलवा दी, हमको बड़ी अच्छी बात लगती है आपने हमारे इलाके में काम किया। लेकिन आप किसके पास जाए, कौन आपकी सुनेगा? मैं तो कहता हूं किसान लोग जब हल हाँकते हैं तो क्या रखते हैं? पराना, पराना रखते हैं। अच्छा अच्छा अब हल हाँकते समय पराना चाहिए कि नहीं चाहिए? हार लगाना पड़ेगा तो पराना और हार लगाने के लिए दिग्विजय सिंह हाजिर है आपके साथ। और चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मैं कोई डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं। जो मन में है वो मेरी जुबान पर, डर किस बात का? डरे वो जो पाप कर, जो धोखा दे। के पुराने समय हमारे साथ आए, उनके पुत्र पोता पोती कोई भैग गए हैं, इधर उधर हो गए हैं, उनको भी समेट के ले आओ, एक परिवार अपना है और परिवार के साथ हम लोग आपकी दिक्कत परेशानियों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैंने हमेशा एक बात सोची, नेता वो हो जो कहे तो उसको पूरा करे, नहीं तो वादे तो बहुत होते हैं। अब मोदी जी गारंटी, काला धन आ जाएगा, 15-15 लाख पहुंच जाएंगे, नौकरी मिल जाएगी, दुनिया भर के वादे। कौन सा वादा? काला धन आया नहीं, काला धन और देश से बाहर चला गया, उसके आंकड़े, महंगाई बढ़ती चली गई, पेट्रोल डीजल के भाव टिकने हो गए, खाद के भाव बढ़ गए, खाद की बोरी का वजन घट गया। 10 साल तक मैं मुख्यमंत्री रहा, खाद सहकारी समिति के गोदामों में पहले पहुंच जाया करती थी, एडवांस बिक्री हो जाया करती थी, किसी को ब्लैक में कोई खाद खरीदने की आवश्यकता नहीं थी। और अब देखने में आ रहा है खाद आता नहीं है, पुलिस के साजे से बोरियां बट रही है, डंडा पड़ रहे हैं, रात रात भर किसान परेशान हो रहा है। कौन सा ऐसा इन्होंने काम किया जिसकी वजह से किसान उनको समर्थन देंगे? वादा किया था 2700 रुपए क्विंटल देंगे, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी तो जैसे जुआ दिखता जब तो पकड़ सकते हो क्या? केवल मोदी गारंटी एक धुआं के माफिक है, दिखेगा जरूर लेकिन पकड़ नहीं पाओगे, मिलेगा नहीं। यहां वादा किया था भोपाल में आके, मोदी गारंटी, भ्रष्टाचारियों को मैं जेल भेजूंगा, अजीत पवार के 70,000 करोड़ का उसने घोटाला किया है, जेल जाएगा। पता पड़ा 3 दिन बाद जेल तो नहीं गया, जेल दादा बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए। अब आप बताओ इस मोदी गारंटी को हम लोग कहां ले जाए? कौन सी मोदी गारंटी उन्होंने पूरा की? कहते हैं 5-5 किलो अनाज हम मुफ्त बांट रहे हैं, अरे सरकार का तो हमने बनाया, सरकार की 2014 में आए उसके पहले से ऐसे 1 रुपया किलो में अनाज दे रहे थे, गरीब कानून बनाया, कौन सी नई बात? और इसी का विरोध कर रहे थे,
जब मुख्यमंत्री थे कहते थे ये रेवड़ियां बांट रही है, विरोध करते थे कि पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, खाद महंगी हो गई, लेकिन भाव बढ़ते चले गए और उस पर इन्होंने कार्यक्रम किया। मैंने मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के नाते 91 में वादे किए थे किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी 10 साल तक दी के लिए। अनुसूचित जाति जनजाति और गरीब लोगों के घरों में मुफ्त में बिजली दी जाएगी, दी के नहीं। गरीबों के घरों में हम लोग उनको प्लॉट बांटने के नहीं बांटे, जिस जमीन पे आवास बांटने के नहीं बने, जिस जमीन पे सरकारी जमीन पे आपने मकान बना था आप उसके पट्टे दिए के नहीं। आज बच्चों को खारिज किया गया, मकान तोड़े जा रहे हैं, उन्हें बर्बाद किया जा रहा है। कल ही हम नलखेड़ा के गांव में गए थे, आवासीय लोग हैं, प्लॉट नहीं मिल पा रहा, 10-10, 15-15 साल से मकान बनाए हुए हैं, उनको आवास के पट्टे नहीं हो रहे। हमने जो उनको नलखेड़ा में पट्टे दिए थे गरीबों को, आज उनकी कीमतें करोड़ों रुपए की होगी। हमने भूमि अधिग्रहण अधिनियम बनाया और भूमि अधिग्रहण अधिनियम में गांव की जमीन, किसान की जमीन अगर कोई अधिग्रहण करता है तो 4 गुना उसको कंट्रोल रेट से, कलेक्टर रेट से 4 गुना मिलनी चाहिए। शहर में है तो 2 गुना, लेकिन मोदी जी ने आते ही उसमें परिवर्तन कर दिया और राज्यों को अधिकार दे दिया कि तुमको देना है 2, नहीं तो मत दो। भाई केंद्र सरकार ने कानून बनाया है तो उसको आप क्यों बांट रहे हो? मैं आपके जितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस का क्या आपको पिछड़ा वर्ग को आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया कि नहीं? चाहे डांगी हो, चाहे सोफिया हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे हमारे धाकड़ के राग हो या विश्वकर्मा हो, चाहे नाई हो, चाहे सब सब हमने पिछड़ा वर्ग में लिए। बच्चे आगे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सरकारी नौकरियां मिली है। हमने हमारी सरकार में शिक्षक कर्मी बनाए गए, आज उनके क्या तनखा मिल रही है आपको मालूम? पंचायत कर्मी बनाए गए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा के कार्यकर्ता, वर्कर, जन स्वास्थ्य रक्षक, गोपाल गौ सेवा, गौ रक्षा के लिए गौ सेवा आयोग पहली बार देश में कहीं बना तो मध्यप्रदेश गोविंदा चौबे के अध्यक्ष बने। गौ माता की सेवा हुई, गौशालाएं खुली, कमलनाथ जी की सरकार 1000 गौशालाएं बनवाई। लेकिन कल नलखेड़ा के गांव में हम देख रहे हैं गौशाला बनी हुई है, गायें नहीं है, उसमें एक बगल वाले ने भैंसे बांध रखे, तो भैंस सेवा हो रही है, गाय सेवा नहीं हो रही है। इनके भाजपा के राज में ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मैं आपके बीच में अगर चुनकर आता हूं तो हमारे वही रिश्ते जो 84 के बाद से रहे हैं, मैं 2003 के बाद चूंकि AICC ने मुझे आंध्र, कर्नाटक, आसाम, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, पूरे प्रदेश से मुझे काम सौंपा, तो मैं वहां क्योंकि घूमना फिरना मेरी आदत है, घूमू फिरू नहीं तो मैं बीमार हो जाऊंगा। इसलिए लोग कहते हैं क्यों इतनी मेहनत करते हो, मुझे कुछ नहीं सूझा और मुझे नर्मदा परिक्रमा करो, हमारे गुरु शंकराचार्य जी स्वामी स्वरूपानंद जी का आदेश हो तो करना चाहिए, तो 3200 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी करना है नर्मदा जी।
एकादशी का व्रत भी करता हूँ। टावूगढ़ में मंदिर है, आप सब जानते हैं, अखंड ज्योत जलती है, वो भी यार 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 आवन में हमारा वेद पाठशाला है, जो कि चार बार से लगातार, चार साल से लगातार पूरे देश में सबसे अच्छी पाठशाला जो चल रही है, दूसरे नंबर पर आवन की वेद पाठशाला है। और फिर भी मुझसे कहते हैं दिग्विजय सिंह मुसलमान हो, फिर भी कहते हैं दिग्विजय सिंह हिंदू विरोधी है। अरे मेरे भाई, कोई मुझे तुम्हारे भाजपा का नेता बता दो जिसने की जो कुछ मैंने धर्म के लिए किया है उससे ज्यादा किया है। मामा हमारा जैसा इन्होंने कहा ना कि दूल्हा वो बने थे घोड़ी पर वो चढ़ी कि तोरण ला गया कोई और, तो मामा में बड़ा नर्मदा जी ने यात्रा की, कैसे की, हेलीकॉप्टर से यात्रा की, पैदल यात्रा नहीं कही मामा, ये इनका संकल्प है। ये केवल लोगों को गुमराह करता, झूठ बोलते हैं, गुमराह करता, उन्हें बर्बाद किया जा रहा है। कल ही हम नरखेड़ा के गांव में गए थे, आवासीय लोग हैं, प्लॉट नहीं मिल पा रहे, 10-10, 15-15 साल से मकान बनाए हुए हैं, उनको आवास के पट्टे नहीं हुए। हमने जो उनको नरखेड़ा में पट्टे दिए थे गरीबों को, आज उनकी कीमतें करोड़ों रुपए की होगी। हमने भूमि अधिग्रहण अधिनियम बनाया और भूमि अधिग्रहण अधिनियम में गांव की जमीन, किसान की जमीन अगर कोई अधिग्रहण करता है तो चार गुना उसको कंट्रोल रेट से, कलेक्टर रेट से चार गुना मिलनी चाहिए। शहर में है तो दो, लेकिन मोदी जी ने आके ही उसमें परिवर्तन कर दिया और राज्यों को अधिकार दे दिया कि तुमको देना है दो, नहीं तो मत दो। भाई केंद्र सरकार ने जब कानून बनाया है तो उसको आप क्यों बांट रहे हो? मैं आपके जितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस का क्या आपको पिछड़ा वर्ग को आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया कि नहीं दिया? चाहे डांगी हो, चाहे सोफिया हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे हमारे ठाकर के राग हो या विश्वकर्मा हो, चाहे नाई हो, चाहे सब हमने पिछड़ा वर्ग में लिए। बच्चे आपके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सरकारी नौकरियां मिली है हमने, हमारी सरकार में शिक्षक कर्मी बनाए गए, आज उनके कर्जा तनखा मिल रही है, पंचायत कर्मी बनाए गए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा के कार्यकारी वर्कर, जन स्वास्थ्य रक्षक, गोपाल गौ सेवा, सब गौ रक्षा के लिए गौ सेवा आयोग पहली बार देश में कहीं बना, तो मध्यप्रदेश 2014 के अध्यक्ष बने, गौ माता की सेवा हुई, गौशालाएं खुली, कमलनाथ जी की सरकार ने 1000 गौशालाएं बनवाई। लेकिन कल नलखेड़ा के गांव में हम देख रहे हैं गौशाला बनी हुई है, गायें नहीं है, उसपे एक बगल वाले ने भैंसे बांध रखे, तो भैंस सेवा हो रही है, गाय सेवा नहीं है। इनके भाजपा के राज ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मैं आपके बीच में अगर चुनकर आता हूं तो हमारे वही रिश्ते जो 84 के बाद से रहे हैं, मैं 2003 के बाद क्योंकि AICC ने मुझे आंध्र, कर्नाटक, आसाम, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, पूरे प्रदेश से मुझे काम सौंपा, तो मैं वहां क्योंकि घूमना फिरना मेरी आदत है, घूमू फिरू नहीं तो बीमार हो जाऊ, इसलिए लोग कहते हैं क्यों इतनी मेहनत करते हो, मुझे कुछ नहीं सूझा और मुझे
नर्मदा परिक्रमा करो, हमारे गुरु शंकराचार्य जी स्वामी स्वरूपानंद जी का आदेश हो कि तुमको करना चाहिए तो 3200 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी करना है। नर्मदा जी एकादशी का व्रत भी करता हूँ, टावोगढ़ में मंदिर है आप सब जानते हो, अखंड ज्योत जलते वो भी यार 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 आवन में हमारा वेद पाठशाला है जो कि चार साल से लगातार पूरे देश में सबसे अच्छी पाठशाला जो चल रही है उसके दूसरे नंबर पर आवन की वेद पाठशाला है। और फिर भी मुझसे कहते दिग्विजय सिंह मुसलमान हो, फिर भी कहते हैं दिग्विजय सिंह हिंदू विरोधी है। अरे मेरे भाई कोई मुझे तुम्हारे भाजपा का नेता बता दो जिसने की जो कुछ मैंने धर्म के लिए किया है उससे ज्यादा किया। मामा हमारा जैसा इन्होंने कहा ना कि दूल्हा वो बने थे घोड़ी पर वो चढ़ी कि तोरण ला गया कोई और, तो मामा में बड़ा नर्मदा जी ने यात्रा की, कैसे की हेलीकॉप्टर से यात्रा की, पैदल यात्रा की, कई मामा ये इनका संकल्प है। ये केवल लोगों को गुमराह करके झूठ बोलते हैं, गुमराह करके। अभी परसों की रात में आ रहा था सहारनपुर में, रस्ते में था पड़ाना और सहारनपुर के बीच में, तो देखो जो खड़े हुए एक लड़का घायल नीचे पड़े पड़े, हमने तत्काल उसको अपनी गाड़ी में रखवाया और अस्पताल ले गए। आज ईश्वर की कृपा से बंद करो यार, ठीक है। लेकिन भाजपा ने क्या कहा कि दिग्विजय सिंह की गाड़ी ने टक्कर मारी उसकी वजह से घायल हुआ उसको लेकर। अब आप बताओ इन झूठों से कैसे, इनको झूठों से निपटना है तो इनको हराओ पूरी तरह से, हराओ इनकी बातों में बताना। अरे भगवान राम सब सकते हैं, किसके भगवान राम हमारे लाखों साल हमारे ऋषिदेव भाई सब बंद कर लो यार। अब ये कहते हैं कि लाल राम लला को 500 साल बाद हम लेके आए, भाजपा लेके आई है, ये लोग लेके आए, मोदी जी लेके आए, ये रोड पर नागर लेके आए, कौन लेके आए। अरे बात वही है, अरे राम लला तो हमारे हृदय में है और राम लला के अयोध्या जाने हनुमान गढ़ी के भक्तों का निर्मोही अखाड़ा है। मुक्तेश्वरानंद जी जो कि अभी जोशीमठ के शंकराचार्य हैं, उन लोगों ने पैरवी की, शंकराचार्य की शुरू होना की महाराज 1.5 महीने तक जेल में रहे राम मंदिर निर्माण के लिए। ये भाजपा का विश्व परिषद का कोई नेता नहीं गया जेल, स्वामी जी गए और वो उनके पैरवी पर उनके प्रमाण के आधार पर फैसला राम मंदिर के निर्माण की घोषणा हुआ। अब नरसिम्हा राव जी ने राम मंदिर निर्माण का एक दिवस प्रस्तुत कर दिया, उन्होंने कहा था नेतागिरी से अलग करके इसको देश के जितने चारों शंकराचार्य हैं वो उसके सदस्य होंगे और रामानंदी संप्रदाय के लोग उसके जो राम संप्रदाय के रामेश्वराचार्य जी उसके सदस्य होंगे और निर्मोही अखाड़ा के लोग उसको संचालन करेंगे। लेकिन मोदी जी ने उन सबको अलग कर दिया और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को वहां बिठा दिया और एक चंपत राय उसके मुख्य कार्यपालन अधिकारी बना दिए गए। और चंपत राय ने क्या किया, जो हमने चंदा दिया उस चंदे से जमीन का घोटाला कर दिया। सुबह 1.5 करोड़ में एक जमीन भाजपा के नेता ने खरीदी और शाम को वही जमीन 18 करोड़ में चंपत राय जी ने ट्रस्ट में खरीदवा दी। कभी सुना हो आपने?
कि 1.5 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में चौपट रहे थे, एक सुबह 1.5 करोड़ बिकी और शाम को 18 करोड़ बिक गया। उसकी जांच मोदी जी ने कहा जांच होगी, कहां से जांच होगी, सबका हिस्सा पार्टी बना हुआ, ये लोग चंदा में भी वसूली कर लेते हैं। निर्मोही अखाड़ा के लोग खुलेआम आरोप लगाते हैं साधु संत। 1400 करोड़ का चंदा कहा गया पता नहीं, इस बार भी चंदा हुआ, हमने कहा चलो इस बार भी, पिछली बार भी दिया। शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख दिए, मैंने कहा 1,11,000 मैंने दिए और 1,11,000 हमने चंदा दिया, हमारा हक बनता है, कुछ गड़बड़ी होगी हमारा हक बनता। अब प्रचार कर रहे हैं कि कांग्रेस को है विरोध कर, अरे हमारा विरोध नहीं है। अब यहाँ जितने बैठे हैं आपने कौन कौन लोग जिन्होंने मंदिर निर्माण किया, आपने सब अब अपूर्ण मंदिर का कभी प्राण प्रतिष्ठा होती है क्या बताओ? अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराना हमारे धर्म का विरोधी है, विरोध है कि नहीं? सारे शंकराचार्य ने विरोध किया लेकिन इनको तो पहले करानी थी क्योंकि चुनाव हो रहा है तो 22 जनवरी को करा ली, अरे रामनवमी भी करा लेते। तो ये लोग जो है पूरे तरीके से विश्वसनीय नहीं है, इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, बहुत सारी बातें मैंने आपसे की है, आप सब इस पर थोड़ा मंथन करिए, चर्चा करिए अपने समाज में, अपने पड़ोस में, और मैं अपना एक पत्र सब जगह जाना मेरा संभव नहीं है। मेरी सभी हमारे BLA है, सेक्टर के प्रभारी है, मंडल अध्यक्ष जी है, जितने भी मेरे कार्यकर्ता है, युवक कांग्रेस NSUL सेवा महिला कांग्रेस के, मेरी चिट्ठी हर घर पहुंचाना चाहता है और वो चिट्ठी घर घर पहुंचाने के साथ साथ उसमें एक स्लिप भी होगी जिसपे आप जिस घर पे आप गए हैं उसका नाम, उनका परिवार का नाम, फोन नंबर, तारीख लिखेंगे और वो आप वो स्लिप फाड़ कर मंडल के दफ्तर में जाके जमा कराएंगे ताकि हमें मालूम तो पड़े कि पर्ची हमारा लेटर हमारा पत्र गया भी नहीं गया। नहीं तो होता ही है कि हम लोग जो छपाते दफ्तर भी पड़ रहे हैं बट भी नहीं पड़ी। तो ये हमने इसी साल से इसी चुनाव में सारे चुनाव हमारा ये पोलिंग बूथ पर हो, मतदान पर हमारा पूरी लड़ाई होगी। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप लोग अपना अपना पोलिंग समझ, कोई बड़ा नेता हो मैं उससे एक ही बात कह रहा हूँ तुमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तुम तो अपना पोलिंग बूथ संभालो, पोलिंग बूथ तुमने जिता दिया तो तुम्हारा सम्मान करूंगा, मैं बहुत बड़ा नेता हूँ। क्यों नहीं रामायण में भी उल्टे ताल में भी था, राम राम करके भटका रहा था। बात बात ये बम जो है ना बड़ा कलाकार है, बात वही है कि आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि 7 मई पर होने वाले चुनाव में आप सब लोग मिलकर समर्थन दें। मैं इस बारे में कोशिश और कर रहा हूँ क्योंकि सही पूछो तो हमें पता ही नहीं पड़ता हमारा वोट कहाँ गया, बटन दबाया आया और वोट कहाँ गया। इसलिए मेरी लड़ाई तो EVM के खिलाफ है,